देखिए फ्रेंड, आज हम ये सुंदर सी साड़ी घर पर ही कैसे बनाएं वो सीखेंगे। ये मेरा प्लेन पीस था रेड कलर का, इसको मैंने गोटा पत्ती और बॉर्डर लगाकर एक सुंदर सा लुक दिया है, वो भी फ्रेंड ओनली 200 रुपीज़ में। तो फ्रेंड, इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे बेल बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्लेन साड़ी को घर पर ही डिजाइनर साड़ी कैसे बनाएं वो सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल कम पैसे खर्च कर आप अपनी प्लेन साड़ी को घर पर ही एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरी प्लेन साड़ी है, इसके ऊपर हम अपनी गोटा लेस लगाकर एक इसको सुंदर सा लुक देंगे। तो देखिए, एक ही लेस है जो मैंने अपनी घर पर ही रेडी की हुई है, और ये जिगजैग लेस है, इसको यूज़ करेंगे हम। और एक ही गोटा है, इसका यूज़ करके हम एक सुंदर सी साड़ी रेडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड, जो ये वाला बॉर्डर है वो हम अपना नीचे किनारे पर लगाएंगे यहाँ पर, और ये जिगजैग लेस है, इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। और जो हमारी लेस है, ये गोटा है सॉरी, इस गोटे को, ये हमारी जो पूरी साड़ी है, हम इसमें बीच में इस तरह से लाइनिंग में लंबा लंबा लगाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से पूरा लगाते हुए 3-4 लाइन इस तरह की देंगे, वो आपकी मर्जी है आप कितनी लाइन यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी 4 लाइन यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आप अपनी ये देखेंगे कि आपको कितनी कितनी दूरी पर अपनी लेस अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड का यहाँ पर किनारे हैं उसको बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी करा सकते हैं। तो आपको कितनी कितनी दूरी पर लेस लगानी है देखिए, वो आपकी मर्जी, आप पास में लगाना चाहते हैं दूर में। मैं यहाँ से 9 इंच पर, एक 9 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी, एक 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी, और एक 9 इंच पर इस तरह यहाँ पर, और एक 9 इंच पर इस तरह से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 लाइन लगाई है, 1 2 3 4 इस तरह से। फ्रेंड, आपको अपनी पूरी साड़ी में निशान लगाने हैं और यहाँ पर अपना गोटा अटैच करते हुए जाना है। देखिए, हम यहाँ से इस तरह से अपना गोटा पूरी साड़ी में अटैच कर लेंगे। ये साड़ी हमारी 5.5 मीटर की है। एक लाइन आप इस तरह से लगाएंगे, सेकंड लाइन आप यहाँ पर लगाएंगे, और थर्ड लाइन यहाँ पर, फोर्थ लाइन यहाँ पर। सबसे पहले आप जिस तरह से आपने यहाँ पर निशान लगाया, इसी तरह से आप अपनी पूरी साड़ी में निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने अपनी पूरी साड़ी में निशान लगा लिए हैं, अब यहाँ पर अपना गोटा अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपनी पूरी साड़ी पर अपनी लेस अटैच कर ली है इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हमने अपनी पूरी साड़ी पर अटैच कर लिए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, जो हमारी लेस है जिगजैग वाली, इसको हम इसके साथ अटैच करते हुए, देखिए यहाँ से जो हमारी बारीक लेस है इसके साथ अटैच कर लेंगे पहले एक बार, फिर इसके बाद हम इसको साड़ी में अटैच करेंगे। पहले हम इसके ऊपर रखकर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से अपनी लेस को सील लिया है, ये अटैच करी है हमने। अब इसके बाद हम इसमें इसको साड़ी पे लगाना स्टार्ट करेंगे। साड़ी पे फ्रेंड, हम जिधर पल्लू की साइड है पहले उधर से लगाना स्टार्ट करेंगे। जिधर से हम अपना पल्लू लेते हैं, ये देखिए, जैसे हमारा ये, क्योंकि हमारी ऑल ओवर साड़ी है, हम इधर से अपना पल्लू लेंगे। तो जो हमारा ऊपर की साइड है, यहाँ से हम 2.25 मीटर कपड़ा छोड़कर एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह यहाँ पर निशान लगा लिया है। ध्यान रखना फ्रेंड, ये हमें यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, जिधर हम अपनी प्लेट्स बना पल्लू बनाते हैं उधर की साइड से, तुम यहाँ से अपने बॉर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, देखिए जो किनारी आप अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाहर की साइड लाऊंगी इसको। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से पूरी साड़ी में लगाना स्टार्ट करें।
ये देखिए हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये निशान लगाया हुआ है, हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ये बॉर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं तो इसको ना खींच कर नहीं लगाना होता, हल्के ढीले हाथ से लगाएंगे इसको यहाँ से एक बार फोल्ड करके। इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड हम यहाँ पर कोने में जो हमारा कोना हुआ है इस साड़ी को अंदर की साइड हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ही बॉर्डर अटैच करते हुए जाएंगे। ये देखिए अभी हमने एक सिलाई लगाई है, दूसरी सिलाई हम बाद में लगाएंगे इस पर। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा अंदर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर बॉर्डर अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा पूरी साड़ी पर लग गया है, हम यहाँ से थोड़ा छोड़ देंगे। ये करीब मैंने पूरा जो लेस थी वो 9 मीटर के करीब ली थी, उसमें से फ्रेंड मेरा थोड़ा सा 1/2 मीटर के करीब बचा है। देखिए अब हमने यहाँ से लगा लिया है, अब यहाँ से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर गोटा अटैच करेंगे। इस सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है हमारी साड़ी अंदर से सिकुड़े ना, और इसी तरह से हम पूरे अपने बॉर्डर में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने अपने बॉर्डर को अटैच कर लिया है, अब इसके बाद हम गोटा लेंगे अपना, इसको हम यहाँ से एक लाइन और लगाएंगे। ये देखिए एक लाइन हम यहाँ पर देंगे और एक लाइन यहाँ पर देंगे, ऊपर नहीं लगाना है हमें, जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हम यहाँ पर एक लाइन और देंगे। पहले हम एक लाइन को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने दो नीचे की साइड में दो यहाँ पर गोटा अटैच कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड ये है हमारा साड़ी का फाइनल लुक।